जय श्री राम। आज बात करेंगे चंद्र ग्रह के मंदे प्रभाव के बारे में। जब आपकी जन्म कुंडली में चंद्र मंदा होता है तो आपको शुक्र ग्रह से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्र मंदा तो शुक्र का फल मंदा, क्योंकि दोनों स्त्री ग्रह। जब दूध फट जाता है या खराब हो जाता है तो दही का काम नहीं देता, यानी कि उसकी दही नहीं जमती। सीधा सा, यथा पिंडे सो ब्रह्मांड, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में, यानी कि जब चंद्र खराब हो जाता है तो शुक्र अपना फल कैसे नहीं देता। जिस प्रकार दूध खराब हो जाए तो उसकी दही नहीं जमती। चंद्र दूध है और दही शुक्र। इसी मुख्य बात को ध्यान में रखते हुए लाल किताब में लिखा है कि जिस व्यक्ति का चंद्र खराब हो उस व्यक्ति को शुक्र ग्रह से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। अब शुक्र ग्रह से संबंधित कार्य क्या है? खुशबू की चीजें बेचना, फैंसी ज्वेलरी का व्यापार करना, लग्जरी लाइफ में प्रयोग होने वाली वस्तुओं का कार्य करना, ठीक है, फैंसी कपड़ों का व्यापार करना, तो उसका वो काम नहीं चलेगा जिसका चंद्र खराब होगा। फटा हुआ दूध चंद्रमंदा, दही शुक्र का काम नहीं देता। अब दही का काम करना, ठीक है, वो उसके लिए अच्छा फल नहीं देगा, इस बात का याद रखें। लेकिन फटे हुए दूध का पानी फिर भी अपने दूध की ताकत का काम दे जाता है, इसलिए मंदा चंद्र फिर भी किसी दूसरों की भलाई के काम मदद जरूर कर देगा। ठीक है, चंद्र से संबंधित जो काम होंगे अगर उसमें दुनिया की भलाई भी शामिल हो तो ऐसे काम आपको बहुत अच्छा फल देंगे। मंदे बिल्कुल में साफ है कि मंदे खराब चंद्र वाले को शुक्र ग्रह से संबंधित कारोबार फायदा नाग देकर चंद्रमा से संबंधित कामों में लाभ मिलेगा, ये हमेशा याद रखें। चंद्र के काम जैसे दूध चावल चीनी चांदी आदि का व्यापार करना, इनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। खेती बाड़ी करना, खेती की जमीन